मैं कोशिश करता हूँ। प्रपोजल नहीं, बहुत बहुत परेशान करता है, बहुत तंग करता है, मन करता है तेरे बाल नोचूं, तेरे दांत तोड़ दूं। So guys, first of all, welcome to Glitz Vision. Thank you so much for doing this segment despite of being so busy, but in a most lovable way and all that stuff. So before I start proposal, देखो मेरा जो होना था हो चुका है, तो मैं अपने दिल से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये मैडम सिंगल है। क्या सबको बता रहे हो? अरे ये सिंगल है, सो जो भी बैचलर्स हैं तो वो कुछ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप मुझसे अच्छा करोगे क्योंकि मेरा तो मन भर चुका है, दिल भर चुका है, तो आपका नहीं भरा होगा, तो आप अच्छे से करोगे, तो ऐसा कुछ इनके लिए आप कर सकते हो, मैं कोशिश करता हूँ, है ना? Yes, sorry. मैं कैसे करूँ? Listen, guys, I won't laugh when you will come like this. Okay. That is very important. सही है। Now you love, that is okay. मस्त तो mint mint खा गया ना। तो हाँ तू करना। अरे क्या है? हाँ बस बहुत हो गया। बहुत बोल दिया। बहुत बोल दिया। खाना अच्छे से। बहुत बोल दिया बस। बस just ignore। नहीं उससे पहले रोज देने से पहले उनको अच्छे कपड़े देना अपनी पसंद के जिसमें वो अच्छे लगे वो उनको ना पहनना। जी। फिर रोज लाना मेरे हिसाब से एक रोज मत लाना बहुत सारे रोज लाना और पूरा बंच लाना उसमें ऐसा हार्ट शेप बनवाना और उनको प्रेजेंट करना और बोलना विल यू बी माय वैलेंटाइन आपका टर्न है ओके सो आई जस्ट वांट हु इज योर फेवरेट एक्टर लाइक फेवरेट बॉलीवुड एक्टर ओके आर माधवन इमेजिन ही इज आर माधवन जस्ट इमेजिन एंड अगर आर माधवन सामने आएंगे तो यू नो आई एम मेकिंग इट वेरी इजी फॉर यू तो यू नो कैसे कैसे यू नो व्हाट वर्ड्स यू विल से और समथिंग लाइक दैट या जैसे भी आप कंफर्टेबल हो ओके माधवन हो आप अच्छा ठीक है चलो imagine he's Madhavan. Yes. If I would imagine him being Madhavan, I would go blank and I would go just gala looking over him. Okay, बस हो गया सो आई नो यू आर वेरी वियर्ड बहुत बहुत परेशान करता है बहुत तंग करता है बहुत गुस्सा दिलाता है मन करता है वो आपको माधवन नहीं समझ रहे पहली बात नहीं समझ रहे वो समझना ही नहीं चाहते आपको क्या कर सकते अच्छा ठीक है वो आपको एज अ वरुण एक्टर वरुण कैसा है वरुण जैसे बहुत वियर्ड है बहुत अनोइंग है हाँ है तू जोकर फेस है मन करता है तेरे बाल नोचूं तेरे दांत तोड़ दूं कम टू द पॉइंट ऐसा मैं भी बोल सकती थी लिसी सी ही इज सो वियर्ड जस्ट गेट लॉस्ट आई लव यू थैंक यू ओके तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस हमें कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे वैलेंटाइन डे पे तो वरुण आपसे पूछना चाहेंगे कैसे मनाते हैं वैलेंटाइन डे या ये बार कुछ प्लान्स है तो मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ 5 दिन की सच में हमें 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 फांसी देके अच्छा विद योर मतलब विद योर वाइफ टू सेलिब्रेट द वैलेंटाइन डे या फिर कहाँ पे ऑब्वियसली अच्छा नो आई थॉट कि ऐसे घूमने जा रहे हैं इसके लिए किसके साथ जा रहे अच्छा सो दिस इज हाउ वी गोना सेलिब्रेट उनके साथ आप अपना बताइए वैलेंटाइन डे प्लान्स क्या है ना शूट कर रही है अच्छा। और शूटिंग में इतने सारे लड़के हैं कोई एक तो सेट हो जाएगा अच्छा। सच ही आप बता दीजिए अगर सेट होना होता ना तो कब का हो गया होता अच्छा। 2 दिन नई कास्टिंग होने वाली है विक्रम तुझे बोला कुछ नहीं कबीर को बोला उसको भी पता है उसको भी पता है मैं उसको ऐसा नहीं बोलूंगी ऐसा नहीं बोलेगी तो क्या बोलेगी उसको कुछ नहीं बोलूंगी कुछ नहीं बोलेगी तो बीच में क्यों आती तू ये बोल या वो बोल क्या अच्छा ठीक है बोल दे कुछ नहीं विक्रम ही व्हाटएवर ही सेड इज ट्रू ओके बाय अब आप बताइए ऑन 14 ये उसमें आपके उसमें टैग कर विक्रम साकलकर इंस्टाग्राम पे टैग कर ठीक है अब बोलिए ओके ऑन 14th है इट्स माय मॉम्स बर्थडे सो आई विल बी डूइंग थिंग्स फॉर हर बिकॉज़ शी विल बी डाउन इन मुंबई सो वी विल गो आउट वी विल हैव फन एंड शूटिंग नहीं करेंगे
छुट्टी ली है नहीं तो फिर कहाँ से बाहर जाएगी शाम को खत्म करने के बाद है कभी होगा 10:30 तू क्यों बता रहा है तू है नहीं ना इधर तू मरने का ना उधर अच्छा एक और चीज आप दोनों से वैलेंटाइन डे आप किसी के लिए बहुत स्पेशल होता है किसी के लिए इट्स लाइक यू नो अ नॉर्मल डे आपसे जानना चाहेंगे वर मेरे लिए बहुत स्पेशल है छुट्टी में या तो कोस जनरली यू नो जनरली जानना चाहेंगे दिस टर्म वैलेंटाइन डे व्हाट इज दिस फॉर यू Is it overrated? Is it really important? Overrated. क्या ही करेगा? कुछ नहीं कर सकता ये. बाहर जाएगा, छुट्टी में जा रहा है, बस उधर जाके होटल में सोता रहेगा और कुछ नहीं करेगा. नहीं, obviously मतलब it's not as overrated. Yeah. But एक अलग सी feeling तो होती है जब हम उस Valentine's Day बोलते हैं कि 14 तारीख का Valentine's Day है. तो थोड़ा सा अलग तो feel होता है. भले हम कुछ कर पाए या ना कर पाए वो अलग बात है. But ठीक है, आप जिससे प्यार करते हो तो वो उनके लिए होता है. तो इतने सारे डेज होते हैं अगर आप अवेयर हो टेडी डे हग डे किस डे रोज डे आप लोग का फेवरेट डे कौन सा है नहीं बट वैलेंटाइन डे का आई एम टॉकिंग अबाउट फेवरेट डे यू नो दिस किस डे हग डे टेडी डे हां रोज डे अच्छा एंड व्हाट अबाउट यू टेडी डे मुझे सॉफ्ट टॉय मिलेगा अच्छा ओके खुद को गिफ्ट करूंगी मैं तुझे कुछ प्रॉब्लम है ओके व्हाट आर एनी फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ वैलेंटाइन डे जब का बेस्ट वैलेंटाइन डे यू नो यू रिमेंबर टिल डेट अगर कुछ बता सके तो ऐसा मत पूछो यार कोई देखेगा तो बोलेगा हां याद नहीं फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ वैलेंटाइन डे मेमोरी तो यही स्कूल में कॉलेज में होते थे सिंगल होते थे तो यही सोचते थे वैलेंटाइन डे है कोई मिल जाए लेकिन नहीं मिलती थी तो उसमें ही दिन निकल जाता था अच्छे कपड़े पहनते थे शैम्पू वैम्पू लगाते थे करते थे कभी वैलेंटाइन डे पे किसी लड़की के साथ बाहर जाना ऑब्वियसली हुआ रहेगा नहीं एक लड़की के साथ कभी नहीं गए ग्रुप था तो हम लोग बाहर जाते थे फिल्म देखने ग्रुप में चांस वाले थे छोड़ेंगे मम्मी पापा को पता था लड़का तो ऐसा सोचते थे कि चलो यार कोई तो वैलेंटाइन लेकिन वो वैलेंटाइन डे कोई क्यों होता था पता नहीं बाकी सब दिन कुछ फर्क नहीं पड़ता था वैलेंटाइन लेकिन हुआ नहीं ऐसा ठीक है ओके डिड यू एवर सेलिब्रेट दिस डे इन योर कॉलेज और स्कूल टाइम No, not really. I mean, कॉलेज मुझे इतना टाइम नहीं मिला बिकॉज़ आई स्टार्टेड वर्क जाई नहीं भाई उसको कुछ नहीं करने दिया हमने माई डैड मेड अ ब्रेकफास्ट एंड आई मेड अ टी फॉर और फिर उसके लिए नए कपड़े आई शॉप फॉर हर सो आई मेड हर वेयर दोज क्लोथ्स एंड वी वेंट आउट एंड वी वेंट फॉर लंच डिनर वी डिड शॉपिंग went for a film. It was a very nice day. Like only three of us. अच्छा, okay. Since we have celebrated proposed day with you, वरुण आपसे start करेंगे. अगर अपनी wife को या फिर कोई भी हो, ठीक है? अगर उन्हें propose करना चाहेंगे, तो वरुण किस तरह से propose करेंगे? नहीं यार, ये सब मोदी कहाँ? But this is very common in marriage. Come on, you should know this. किस तरह से करूँगा मैं propose? हाँ. अपने यहाँ कोई बताओ. क्योंकि मैं कर चुका हूँ. जी. काफी बड़े level पे किया मैंने उससे propose. अच्छा. तो वही बता दो कैसे किया था. हाँ, वो तो मैंने अपने पूरे मेरे फैमिली थी सारे रिलेटिव्स थे कजिन थे मासी मतलब मैरिज व्हेन यू प्रपोज्ड योर वाइफ अच्छा अच्छा तो सब थे हॉल था फंक्शन था पूरा पूरी फैमिली थी 100-150 लोग थे तो उसके बीच में मैंने घुटने पर जाके उसे प्रपोज किया था तो वो सरप्राइज थी तो मतलब दैट इज वेरी स्ट्रांग एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स आई थिंक फैमिली के साथ या व्हाट अबाउट यू अगर एक आइडल प्रपोज आप किसी को करना चाहेंगे तो क्या लाइन बोलेंगे इन किस तरह से करेंगे अब तक कुछ तो सोचा होगा जब भी जो मिलेगा नो या आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट एज ऑफ येट बट वरुण विल हेल्प यू व्हेन द टाइम विल कम या सीरियसली बिकॉज़ इट कम्स स्पोंटेनियसली यू कैन नॉट जस्ट दो यू कैन इमेजिन अबाउट इट कि या ओके फाइन आई वुड डू थिंग्स एंड ऑल बट प्रपोज तो लड़का करता है ना नहीं लड़कियां भी करती हैं इन माय केस आई वुड प्रपोज अ गाय यू वुड प्रपोज वेरी गुड ऑल द बेस्ट अच्छा होगा अच्छा ओके एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिसे आप प्रपोज करना चाहेंगे तो वो कौन होंगे वरुण हम आपसे स्टार्ट करेंगे इनका तो शायद हमें पता ही है आपसे कोई बॉलीवुड हॉलीवुड या एक को बोलूंगा तो दूसरे को बुरा लग जाएगा नहीं लगेगा हम बता देंगे वरुण क्या मीन कर रहे हैं नहीं मैं एक को बोलूंगा अभी मैं
कटरीना कैफ में तो बेचारी आलिया बुरा मान जाएगी, आलिया बुरा मान जाएगी तो बेचारी दीपिका बोली कम ऑन बोली दीपिका बोलेगी तो क्या ऐसे मत करो इनकी बहुत बड़ी लिस्ट है आप ही बता दो एक बॉलीवुड सीरीज आप प्रपोज आप चाहते कि वो हां बोले रिटर्न या 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 प्लीज सो यार ऐसे आई मीन एवरीवन इज टेकन नाउ बट स्टिल प्यार प्यार होता है उसकी खुशी में मेरी खुशी है ओके सो आर माधवन आई जस्ट वांट टू मीट हिम एंड आई वुड एंड देन व्हाट आई जस्ट वांट टू से हिम आई लव यू दो आई डोंट हैव गट्स इन मी टू एंड देन व्हाट देन व्हाट आई लव यू टू फिर क्या व्हाट आई वुड हग हिम आई वुड टेक एंड सी सर प्लीज कैन आई हग यू यू विल बी इनवाइटेड टू देयर शो Yeah, then I'll hug him. Uske baad we'll go for a nice coffee if he has time. Good. Yeah, you have coffee. Then you come out. Uske baad. तुझे क्यों बताऊं? अरे बता ना. तुझे क्यों बताऊं? चलो ठीक है, समझ गया. अच्छा ठीक है. Last two questions. कभी कैसा proposal आप लड़की तो आपको definitely proposal आएंगे. एक ऐसा proposal बहुत ही awkward proposal रहा आपके लिए. अगर ऐसा कुछ incident हुआ है तो. Listen. क्यों जख्मों पर कांच ना मंगा रहे अगर प्रपोज किया होता तो सिंगल ना होती मैं आपका मन नहीं था ऐसा नहीं कि जितने भी प्रपोजल्स हैं वी एक्सेप्ट दैट तो ऐसा कुछ प्रपोजल अगर आया हो नॉट श्योर ऑन वैलेंटाइन डे कभी भी साल के किसी भी दिन में यार नोबडी केम इन फ्रंट ऑफ मी एंड जस्ट प्रपोज्ड मी एवरीवन हैज टेक्स्टेड इट अच्छा ओके एंड व्हाट अबाउट यू मेरा तो क्या आपको डेफिनेटली कि ना कोई भी ऐसा प्रपोजल ऑकवर्ड हो गया रहेगा या आपने किसी को किया होगा ना ऑकवर्ड हो गया रहेगा मेरा तो दही जम चुका है कुछ नहीं जब दही नहीं जमाता तो उसके पैसे की बात नहीं नहीं तब मुझसे लड़कियां इतनी बात नहीं करती थी तो आपने भी कभी किसी को प्रपोज नहीं किया हुआ ही नहीं तब सच में मुझसे लड़कियां इतनी बात नहीं करती थी अभी भी कौन सी करती है नहीं बोलूंगा अभी करती है शादी से पहले नहीं करती थी पता ही शादी के बाद ही सब कुछ अच्छा है Too late. Better off. Okay. Okay. Last question. Since Valentine is all about love, which lines mein aapse jaanna chahenge, Varun Sarimanu, what is love for you? In few lines, we can explain. Oh my God. Okay. If I have to explain, love when it comes to a relationship with me and her, love is no matter what happens between you, no matter how much you fight, you still don't let one another go away. Just for your love, that's all. Right. Just for the feelings that you have. बाकी जो भी हो जाए सब problems तो होगी, definitely होगी. But then at the end, you know, you come back to one another. That's all. Great. From you as well. It's unconditional. It's just unconditional. You cannot think and do it. It just happens. It has to happen. It like just. It cannot happen like when it's decided and okay, this is the guy and I have to love him. Right. ओके जाते जाते जानना चाहेंगे कि आइडल वैलेंटाइन डेट अगर आपके लिए कुछ होगी तो वो कैसे रहेगी स्टार्टिंग फ्रॉम यू जब भी आपका होगा तो आप कैसा चाहते हैं कि वैसा हो लाइक इट शुड बी जस्ट फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड एक के बाद एक आई मीन यू जस्ट कीप ऑन काउंटिंग एंड इट जस्ट वोंट फिनिश आई मीन विद ऑल द लव एंड सरप्राइज व्हाट अबाउट यू व्हाट वुड बी द आइडल वैलेंटाइन डेट फॉर यू तो ऑब्वियसली स्पेंडिंग टाइम with her waking up late in the morning that is very important having a good breakfast by the beach side or somewhere very nice and then spending the whole day doing nothing and just you know talking to her we can figure out what Sri Lanka trip is going to be like that. Okay so jaate jaate apne fans ko you know agar aap dono apne mein propose karna chahe because since they are very integral part of your journey okay and your fandom to kaise varun hum aap se start karenge apne fans ko propose kijiye okay to all my fans mostly. To all my male and female fans everyone aap kisi se bhi pyar kar sakte hain so pyar ki koi seema nahi hai jab hum kuch प्यार की कोई सीमा नहीं है प्यार की कोई पहचान नहीं है आप ना आप मुझे मिले हो ना मैं आपसे इतना मिला हूँ लेकिन फिर भी एक प्यार है हमारे बीच में एंड थैंक यू फॉर ऑल दैट लव एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग बाय माय साइड एंड हैप्पी वैलेंटाइन्स डे टू एवरीवन सॉरी चाय का मैं बोला है क्या इनके लिए शायद बोला नहीं ना आपकी बात आप रोज हाथ में ले रहे हो आप यू आर प्रपोजिंग टू योर फैंस इसने बैठ के इतने से डिस्ट्रक्टिव ओके फॉर माय फैंस व्हाट डू आई से
Like the way I said, love is unconditional. So no matter what, they keep on watching us, and the same is with us. We keep on entertaining them. It's a really beautiful relationship because we don't see each other, we don't meet each other, we don't talk to each other, but still you guys love us and we guys love you. So really thank you for that. And yeah, thank you for being with us always. And you know, just being so enthusiastic and boosting our confidence and to do something good and new for you guys. So thank you. Okay. जो सिंगल रहेंगे हार मत मानना, जीत होगी कभी ना कभी. और जो वैलेंटाइन्स डे सेलिब्रेट करेंगे, स्पेंड गुड टाइम विद योर लव्ड वंस, स्पेंड गुड टाइम विद योर फैमिली, विद योर मॉम, योर डैड, योर ब्रदर, हूएवर यू लव, योर फ्रेंड्स, एंड जस्ट डू व्हाटएवर मेक्स देम हैप्पी. इट्स फॉर योर लव्ड वंस, पीपल हु यू लव, सो इट्स फॉर देम, नॉट फॉर यू. व्हाट अबाउट यू? सिंगल है. आप अकेले सिंगल नहीं हो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिंगल हैं, जो बता रहे हैं वो भी सिंगल हैं अभी. जो बता रहे हैं वो भी सिंगल हैं. इट्स ओके, बट आई एम कमिटेड टू माय वर्क. या